नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्पाद विभाग की टीम ने कटोरिया से एक ट्रक से 145 कार्टून शराब बरामद की है। मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के बहदिया मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है, साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल के नेतृत्व में टीम कटोरिया के तरफ जा रही थी। कटोरिया चांदन मुख्य मार्ग पर बहदिया मोड़ के पास शक के आधार पर एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया। जांच के क्रम में गाड़ी में एक बड़ा सा तहखाना मिला, जिसमें 145 कार्टून शराब बरामद की गई है। शराब झारखंड के गिरिडीह से लाई जा रही थी। मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर लीलेश्वर यादव और दीपक चौधरी झारखंड के गिरिडीह जिले के टुंडी का रहने वाला है। टिंकू नामक युवक ने शराब लाने के लिए दोनों को 10,000 रुपये दिए थे। पूछताछ के क्रम में तस्कर ने बताया कि शराब को रजौन स्थित एक लाइन होटल के पास देना था। शराब की कीमत 13 लाख से अधिक बताई जा रही है। बहदिया जगह है, वहीं मेन रोड पर जो है कटोरिया चांदन मुख्य सड़क पर से बरामदगी हुई है। यह ट्रक आ रही थी, हमारे टीम ने देखा कि इसमें कुछ अल्टरेशन किया होने की संभावना थी। पीछे से ट्रक खाली लग रहा था, लेकिन इसमें एक सेक्रेट बॉक्स है। बारीकी से जाँच करने पर इसका इंस्पेक्टर हमारे जो एक्साइज है श्री प्रमोद कुमार मंडल ने उनके द्वारा इसका उद्भेदन किया गया है। बांका जिले के पंजवारा थाना पुलिस ने गणतंत्र दिवस के सुबह झारखंड बॉर्डर चेक पोस्ट पर चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान एक पीले रंग के मैजिक गाड़ी से 228 बोतल दो अलग अलग ब्रांड के विदेशी शराब को जब्त कर लिया है और मौके से दो शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भागलपुर जिला के बरारी थाना क्षेत्र के राहुल कुमार और सबौर थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव के विकास कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस शराब और मैजिक को जब्त करते हुए दोनों युवकों पर मद अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। इस अभियान में पंजवारा के थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह एवं थाना के JSI मुकेश कुमार सिंह दलवल के साथ शामिल थे। अमरपुर थाना क्षेत्र के हरेक बालू घाटों पर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा चलाई जा रही छापेमारी अभियान में तहड्डी गांव के समीप बालू लदी दो ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं पुलिस वाहन को देखते ही ट्रैक्टर चालक अपनी वाहन छोड़कर फरार हो जाने में कामयाब हो गया। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी अभियान में दोनों वाहनों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक अपनी वाहन छोड़कर फरार हो गया। जब्त ट्रैक्टर के संबंध में खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान को सूचना देते ही कार्रवाई की जा रही है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमरपुर क्षेत्र के अवैध भालूघाट मालदेवचक चौकर ताटी कुम्बरा घाट से रात के अंधेरे में धरले से बालू माफिया बालू उठाव की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं बालू माफियाओं के ट्रैक्टर नदी में घुसते ही इन माफियाओं के लोग अमरपुर बाजार समेत अन्य क्षेत्रों में पूरी रात मोटरसाइकिल व चार पहिया वाहनों से पूरी रात गश्ती करते हुए पुलिस की हर गतिविधियों का खबर माफियाओं तक मोबाइल के जरिए पहुँचाते रहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।